हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टेलोटेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं यहाँ पर ये देखने जा रही हूँ कि आपके पार्टनर क्या आपको कुछ बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, जो चाहकर भी बता नहीं पा रहे हैं या कुछ भी नहीं बताना चाहते। तो ये चीज़ें देखेंगे कि आखिर क्या है इनके दिल में जो ये आपको बताना चाहते हैं और आपका जानना ज़रूरी है। ठीक है, इस पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस मैं यहाँ पर देखूँगी। आवाज़ मेरी होगी लेकिन वर्ड्स आपके पार्टनर के होंगे। ठीक है, उसके अलग मैं साथ में ये भी देखूँगी कि क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ है इस पर्सन की तरफ से आपके पास कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आने की, किसी के थ्रू या इनकी तरफ से आने की। तो वो चीज़ें भी मैं देखूंगी और कब तक आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं तो वो भी देखेंगे। हालांकि देखो, कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग होती है तो उसी के बेसिस पर आपको लेना होगा। और जितना रिलेट कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, दिल तक छू रही हैं बातें, उतना ही लेना है। अगर कोई बात सर के ऊपर से जा रही है तो वो डेफिनेटली आपके लिए है ही नहीं, इतना आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए रीडिंग की शुरुआत से पहले अपनी इष्ट देव को याद कर लीजिए, उन्हें ग्रेटिट्यूड दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पा रहे हैं तो क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। और रीडिंग के दौरान फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखिएगा। कोशिश किया कीजिएगा कि जब रीडिंग के लिए कार्ड्स निकाले जा रहे हो ना, तो उस दौरान पे अपने पार्टनर को 3 बार पुकारा कीजिएगा, उसी नाम से जिस नाम से आप बुलाते हैं, जो भी आप उन्हें बोलते हैं उस नाम से। चलिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को कुछ बताना चाहते हैं? यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, क्या ये कुछ बताना चाहते हैं या नहीं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, मैन होल्डिंग अ क्वाइन, मैन होल्डिंग अ हार्ट। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रैफल, ब्लॉसमिंग एंड अबेंडेंस। एंड बॉटम की एनर्जी है ऑल टाइड अप। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए, मैं 12 कार्ड्स की आज रीडिंग करूँगी आपके पार्टनर के मैसेजेस में। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे हैं ये जो चाहकर भी नहीं बता पा रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। द मून, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, एस ऑफ सोर्स। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए जो चाहकर भी नहीं बता पा रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स, डेथ, द हेरोफेंट, फाइव ऑफ सोर्स। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं जो चाहकर भी नहीं कह पा रहे हैं। जस्टिस, टू ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 10 ऑफ कप्स की। ठीक है, देखिए ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है बट मैं आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पर एक बार राशियाँ बता देती हूँ कौन कौन सी हैं स्ट्रॉन्ग में वो भी। जैसे देखिए, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है आपका। यहाँ पे हो गया एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका लिब्रा, ये आपकी स्कॉर्पियो, ये आपकी टॉरस और ये आपकी एरीज की एनर्जी है। ये आपकी पाइसेस हो गई, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो ये मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रही हैं। वैसे अगेन कहना चाहूँगी, अगर आप रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। बस दिल को छूनी चाहिए ये रीडिंग आपके। नंबर्स के बारे में बात करें तो मुझे यहाँ पर 2 और 14, ये दो नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए दिख रहे हैं, यानी कि आपका फरवरी मंथ। तो पॉसिबिलिटी है जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आपका एनिवर्सरी मंथ हो, इस मंथ में ही आप मिले थे, या ये वही मंथ है जब आप लोग बिछड़ गए थे, या फिर ये पॉसिबिलिटी है इसी मंथ से इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। तो ऐसे करके लेना है आपको, लेकिन ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करनी है।
तो सबसे पहले ना मैं आपको वजह बताती हूँ, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर वजह भी दिख रही है इस पर्सन के आपसे ना बात करने के पीछे की। देखिए बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर प्यार, इमोशंस, इन सबको इतनी ज़्यादा वैल्यू दी ही नहीं जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली से, बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे अपने लिए ना तो बोलने का हक होता है, अपने लिए ना तो कोई फैसले लेने का हक होता है, और ये पर्सन ये चीज़ें जानते थे, हमेशा इन्हें ये चीज़ें पता थी। इस चीज़ का इनफैक्ट इन्हें हमेशा डर भी रहता था कि जब एक फैसले की घड़ी आएगी, जब ये डिसीज़न लिया जाएगा कि आपका साथ लेना है या दूसरे रास्ते पे चलना है, तो पता नहीं ये क्या उस वक्त पे डिसीज़न लेंगे। और उसके पीछे की वजह ये एम्परर है, क्योंकि यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि ये पर्सन किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ट्रेडिशंस को, कास्ट को बहुत ज़्यादा माना जाता है, या यहाँ के अपने ही रूल्स और रेगुलेशंस हैं, यहाँ के अपने ही रीति रिवाज हैं, मतलब दुनिया से अलग ही यहाँ के रिवाज हैं। भले आप भी सेम कास्ट के हो, लेकिन इनके रिवाज कुछ अलग ही दुनिया से आए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के एक मोहरे थे, चाहे वो किसी भी तरह से हो, एज एन जो भी इनकी फैमिली ने इन्हें बोला, ये वही इन्हें करना था। हो सकता है इस पर्सन ने कभी ये चीज़ें आपको जाहिर करी ना हो कि भाई ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आखिर करते भी क्यों ये पर्सन अपनी फैमिली के बारे में, क्योंकि इनकी फैमिली और आपकी दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और यही पर्सन ये चीज़ें समझ रहे थे कि आप बहुत मॉडर्न सोच रखते हो, भले आप भी पुरानी फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन एक आपने समय के साथ अपने आप को बदला, आपके परिवार ने समय के साथ अपने आप को बदला, लेकिन इनके परिवार ने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला। जैसे वहाँ पर अगर लड़के होते हैं तो उन्हें रोने का हक नहीं है, या फिर उन्हें अपने परिवार की ज़्यादा सुननी है, लड़कियां हैं तो भी उन्हें अपने परिवार की ज़्यादा सुननी है, उन्हें ज़ोर से हंसना नहीं है, उनसे बिना पूछे कोई फैसले नहीं लेने हैं, तो किसी ऐसी फैमिली से ही बिलोंग करते थे और ये चीज़ें ने पता थी, उस कंफ्यूजन में ही रहते थे। आपने कई बार नोटिस भी करा होगा कि भाई ये एकदम सही है, एकदम सही मूड में है, लेकिन सडनली एकदम शांत होकर बैठ गए हैं, सडनली एकदम ऐसा आपके साथ बिहेव कर रहे हैं कि बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हैं, दिल से बात नहीं कर रहे हैं, आपके साथ होकर भी आपके साथ नहीं है। तो ऐसा कुछ इनके साथ इसीलिए होता था क्योंकि जब जब वहाँ से इनकी तरफ कोई मैसेज आता था, तब तब ये पर्सन वही बन जाते थे जिस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, या फिर आप ये समझ लीजिएगा तब तब ये पर्सन अपने आप को आपसे दूर करने की कोशिश करने लगते थे, जो इनके लिए हालांकि बहुत मुश्किल तो था, लेकिन कोशिश इनकी रही। चांसेस हैं कि इन्होंने ना इसी कंफ्यूजन के चक्कर में, इसी जद्दोजहद के चक्कर में कई बार आपसे बेफालतू की लड़ाई भी करी हो, या बेफालतू का इन्होंने ना कुछ आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर दिया हो जिससे आप इनसे दूर जाओ, या ये आसानी से आपका दिल तोड़कर आपसे अपनी आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर कर सके, तो उसके भी यहाँ पर चांसेस हैं। आपके पार्टनर आपके साथ तो थे, लेकिन ये पर्सन हमेशा एक स्प्लिट पर्सनालिटी में रहे, हमेशा दो सोच में ये पर्सन बंधे रहे हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। मैं आपको ये दिखाती भी हूँ, क्योंकि गाइस देखिए इसकी दो दो एनर्जीज हैं, ये है आपकी किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड सेम यहाँ पर आया है मैन होल्डिंग अ क्वाइन एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। एज एन देखिए, जब जब ये पर्सन आपके साथ रहे, तब तब ये पर्सन इस एनर्जी में रहे, जैसे दिल से बहुत खुश हैं, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल है, एक सोल लेवल तक इस पर्सन ने आपके साथ एनर्जी को महसूस करा, एक अलग ही स्पार्क आपको इनमें दिखाई देता था, या आप इनकी तरफ जैसे अपने आप से खींच रहे थे, ये आपकी तरफ अपने आप से खींच रहे थे, आपको ऐसा लगता था एक वक्त पे इनके साथ कि भाई ये वो इंसान है जिसने ना प्यार की वैल्यू करनी सीखी है, या आपको समझा है, आपके प्यार को समझा है, लेकिन सडनली आपने नोटिस करा होगा कि भाई ये ऐसे हो रहे हैं जैसे बस पैसा चाहिए, मटेरियल सोच बन रही है, बहुत प्रैक्टिकल है, पैसे के लिए किसी से भी शादी कर लेंगे, पैसे के लिए किसी को भी छोड़ देंगे, या फिर पैसे के पीछे इतना भागेंगे कि नहीं देखेंगे कि शॉर्टकट ले रहे हैं, गलत रास्ता ले रहे हैं। तो आपने ये
चीज़ें हो सकता है महसूस भी करी हो, जैसे कि आप एक ही ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जिसके शरीर में दो सोल है, एक बहुत ज़्यादा भावुक है आपके लिए और एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो ये चीज़ें एक्चुअली में इसीलिए होती थी, जब ये आपके साथ रियल में होते थे तो ये यही होते थे, लेकिन जब इनके ऊपर इनके फैमिली का, इनके फैमिली के ट्रेडिशंस का जब डंडा पड़ता था ना, तब ये वही मटेरियल सोच रखने लगते थे, वही प्रैक्टिकल बन जाते थे, लॉजिक्स देखने लगते थे। तो ऐसा कुछ आपके साथ एक्चुअली में हो रहा था, क्योंकि ये पर्सन हमेशा से कंफ्यूज रहे हैं। तो मैंने ना बेसिकली आपको वो वजह बताई कि ऐसे हालात क्यों बने, या आखिर ये पर्सन चाह कर भी आपसे क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि फैमिली ही ऐसी है जो इन्हें अलाउ नहीं कर रही है आपकी तरफ बढ़ने की। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये पर्सन ऑलरेडी अपने परिवार के एक मोहरे हैं, चाहे उनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर हो या इनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर हो, दोनों ही सूरतों में मोहरे ये बने हुए हैं। और मोहरा कभी भी अपने दिल की बातें ना खुद से नहीं बोल पाता, तो वो वजह है इस पर्सन के अपने तरफ से आपको कुछ बताने की। लेकिन आपको ये समझना है कि ये पर्सन दिल से आप ही का साथ चाहते हैं, और वही मैसेजेस मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन इस एनर्जी में है, पूरी तरह से स्टक है, पूरी तरह से ऐसी एनर्जी में है जैसे कि यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं, चाहते हैं ये निकलना। कौन नहीं चाहेगा इस एनर्जी से बाहर निकलना, या कौन इंसान चाहेगा इस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीना, लेकिन ये जी रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कहना क्या चाह रहे हैं ये आपसे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अकेले में बैठकर सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ अपने आप को इस रीडिंग से। अगेन कहना चाहूँगी, आवाज़ मेरी है लेकिन कहीं ना कहीं ये वर्ड्स, ये मैसेजेस आपके पर्सन के ही हैं। ठीक है, देखिए ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये बिना आपके ना पूरी तरह से टूट गए हैं। इनकी जो नींव थी, इनकी जो फाउंडेशन थी, वो आप थे। और बिना फाउंडेशन के, बिना नींव के क्या कोई इंसान ज़िंदा रह सकता है, क्या कोई इंसान अपनी स्ट्रेंथ में रह सकता है। तुम मेरी वही मजबूती थे। आपसे ये कहना चाहते हैं कि दिल अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, उस उम्मीद के साथ कि हम दोनों एक सोल लेवल के पार्टनर हैं। दिल ये चीज़ें समझता है कि हम दोनों सोल लेवल के पार्टनर हैं, और कहीं ना कहीं वही दिल इस रिश्ते से, तुमसे, मुझे आज भी जोड़े हुए हैं। आज भी मैं तुम्हारी हथेलियों को, तुम्हारे साथ को, तुम्हारे प्यार को महसूस करता हूँ, या करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ, और इवन मैं तुम्हें एहसास भी दिलाने की कोशिश करता हूँ। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरा दिल जब भी धड़कता है ना, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा नाम निकलता है, तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में प्यार है वो निकलता है। ये इवन कहना चाहते हैं कि इस दिल में अगर कोई और आएगा ना, तो शायद ये दिल पूरी तरह से बिखर जाएगा, लेकिन वो किसी का हो नहीं पाएगा। ये चीज़ें मैं अच्छे से जानता हूँ, ये चीज़ें मैं अच्छे से समझता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी के वो खुशियाँ हो, तुम मेरी ज़िंदगी के वो अबेंडेंस, वो सपने हो, जो मैंने ना शायद सिर्फ तुम्हारे साथ ही देखा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही जिया है। ये कहना चाहते हैं आपसे कि तुम मेरे वो परिवार हो जिसे मैं अपने करीब रखना चाहता हूँ, जिसके साथ मैं जीना चाहता हूँ। ये कहना चाहते हैं आपसे कि मैं मरना नहीं चाहता यार, क्योंकि जहाँ मैं आज हूँ ना, मैं रोज़ मर रहा हूँ, वहाँ मेरी रोज़ डेथ हो रही है, और मुझे जीना है, तुम्हारे साथ जीना है, मुझे मरना नहीं है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुम इतना याद आते हो, इतना याद आते हो कि मैं रातों रातों सो नहीं पाता, मैं बेचैन हो जाता हूँ, सर में दर्द होने लगता है, इतना मैं तुम्हें सोचता हूँ। तुम्हें ही लगता होगा कि शायद मैंने तुम्हें सोचना, याद करना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज भी तुम्हें जैसे 24 घंटे सोचता हूँ। ये कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ गलत कर बैठा हूँ या गलत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर रहा, और कहीं ना कहीं जब आईने में देखता हूँ ना कि मैंने क्या करा, तो मुझे ना तुम दिखाई देते हो, मैं अपने आईने में नहीं दिखता, मुझे तुम दिखते हो,
और तुम मुझसे पूछते हो सवाल जिसका मैं सामना नहीं कर पाता, जिस सच्चाई को मैं तुम्हें बता नहीं पाता। तुम सोचो ना, जब मैं आईने में देखकर तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा तो रियल में तुम्हें कैसे फेस कर पाऊंगा। इस चीज़ से मुझे खुद घबराहट होती है, इस चीज़ से मुझे खुद डर लगता है। ये कहना चाहते हैं कि हर वक्त तुम इतना ज़्यादा दिमाग में चलते हो, इतना ज़्यादा मेरे जहन में तुम शामिल हो कि तुम उसे कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो। तुम मुझसे कहते हो ये, या तुम मुझसे अगर पूछना चाहते हो ना कि क्या मैं पल भर के लिए भी तुम्हें याद आती हूँ या आता हूँ, तो मैं तुमसे यही कहूँगा, कौन सा वो पल है जब मैं तुम्हें याद नहीं करता, या जब मैं तुम्हें भूला ही नहीं हूँ तो याद करने ना करने का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता। लेकिन शायद तुम वो चीज़ें अब नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत करा है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना वो रूप दिखाया है जो शायद तुम कभी देखना नहीं चाह रहे थे, या तुमने कभी इमेजिन नहीं करा था, या फिर तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और हो सकता है इस रूप के बाद तुम मुझसे बहुत नफ़रत करते होंगे, बेनतहा नफ़रत, मेरे लिए बहुत नेगेटिव हो गए होंगे, मेरी शक्ल तक तुम शायद देखना नहीं चाहते होंगे, मेरा सामना तक तुम शायद नहीं करना चाहते होंगे। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आज भी तुम्हारी यादों को, तुम्हारे जो तोहफे थे, तुम्हारी फ़ोटोज़ थी, उन सबको बहुत संभाल कर रख रखा है, उसे इतना ज़्यादा संजो कर रख रखा है कि तुम नहीं जानते कि आज की डेट में वो मेरे जीने की वजह है। क्योंकि तुम नहीं हो तो तुम्हारी यादों को, तुम्हारे तोहफों को, तुम्हारे फ़ोटोज़ को, उनको मैंने अपनी जीने की वजह बना रखी है। क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, उस सपने को मैं जीना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ देखे, या जो तुमने मुझे दिखाए कि हमारा घर होगा, हमारे बच्चे होंगे, हम प्यार से रहेंगे, हम लोग एक नई दुनिया में जाएंगे। वो सभी चीज़ें ना मुझे ये बार बार एहसास दिलाती हैं कि मुझे अभी जीना है, हालांकि मन नहीं करता जीने का भी। मैं खुद इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ या नहीं। क्योंकि जीना चाहता हूँ तो तुम्हारे साथ, और अगर तुम्हारा साथ नहीं तो फिर क्या, फिर तो मरने के ही समान हैं सभी चीज़ें। आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया, मैंने तुमसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई, लेकिन यकीन मानो मैंने इसीलिए नहीं बताई, तुमसे इसीलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था उस वक्त में कि तुम्हें मैं तोड़ दूँ, तुम्हारे दिल को तोड़ दूँ। उस वक्त तो बस ये लग रहा था जितने पल मिले हैं ना मुझे, मैं बस उन्हें जी लूँ। उस वक्त ये नहीं चाहता था कि आज अभी इसी वक्त तुम्हें ये बताकर तुमसे दूर चला जाऊँ, और जो मुझे उस यूनिवर्स ने इतने प्यारे पल दिए हैं ना, मैं उन्हें भी खो दूँ। मैं ये नहीं चाहता था। तुम शायद ये मान लो उस चीज़ को कि मैं कितना मतलबी बन गया था, कि मैंने अपनी सोच कर तुम्हारे साथ गलत करा, तुम्हारे साथ अन्याय करा, तब तुम्हारा दिल टूट जाता तो शायद तुम, या तब तुम्हें वो हकीकत पता चल जाती तो शायद तुम अपने आप को संभाल लेते, या तुम्हारे पास वक्त होता। लेकिन तुम यकीन मानो, मैं तो उन पलों को नहीं जी पाता ना, तुम यकीन मानो, वो इतने खूबसूरत पल थे मेरी ज़िंदगी के, जिसे मैं आज तक ना तो भुला पाया और ना भुलाना चाहता हूँ। क्योंकि जिस पल ये पल मेरे मन से, जहन से निकलेंगे ना, तुम यकीन मानो, उस दिन मैं ज़िंदा नहीं हूँगा, उस दिन मैं ख़त्म, उस दिन मेरा अस्तित्व ख़त्म। तो ये आपसे कहना चाहते हैं। तो देखो, बेसिकली ना इस पर्सन को सब पता था, क्या हालात हैं, कितना साथ चल पाएंगे, कितना साथ दे पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ें भी समझ में आ रही थी कि अगर ये आपको आज अभी इस वक्त सब चीज़ें बता देंगे तो शायद ये इस पल को जी भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसी रीज़न की वजह से इन्होंने आपको कुछ बताया नहीं। चलिए और देखते हैं इनके मैसेजेस आपसे और क्या कहना चाहते हैं ये। ठीक है,
गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड. आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू. तो आपसे कहना चाह रहे हैं, देखो आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो वो चीज़ें इन्हें भी पसंद नहीं आ रही, उस चीज़ से इन्हें भी नफरत हो रही है, ऐसा आपसे कहना चाह रहे हैं ये. यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, क्योंकि तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं करा, और उसी वजह ने इस पर्सन को ना आपके सामने सच बोलने से रोका है, आपसे ये कहना चाह रहे हैं. ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन, आपसे कहना चाह रहे हैं मैं अभी भी चाहता हूँ तुम्हें वापस से देखना. आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी, अपने करीब देखना, अपने पास देखना. आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मुझे परवाह होती है कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, वो सभी चीज़ें मुझ पर असर डालती हैं. मुझे परवाह है तुम्हारी, यू आर परफेक्ट फॉर मी. कभी भी इस चीज़ को अपने मन में मत डालना कि तुम परफेक्ट नहीं हो मेरे लिए या किसी और के लिए. मेरे लिए परफेक्ट थे तभी तो सच तुमसे छुपाया. डोंट बी इनसिक्योर, और इन सभी चीज़ों के लिए कभी भी इनसिक्योर मत होना कि मुझ में कमी थी क्या, मुझ में कोई दिक्कत थी क्या. इन सभी चीज़ों के लिए कभी भी अपने मन में कोई भी शक मत लेकर आना. तो आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, ठीक है. चलिए देखते हैं इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आने के क्या क्या चांसेस हैं. यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है टेन ऑफ कप्स. भाई देखो पॉसिबिलिटीज तो यहाँ पर बन रही हैं इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक्शंस आने की. इवन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना, कम बैक करेंगे, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपकी जगह भी बदल जाए. जिस जगह पे आप आ जाओ वहाँ से आपको मूव करना पड़े, और ये पर्सन अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने मन को वो सुकून वो शांति देने के लिए डेफिनेटली आएंगे. चाहे इन्हें ना सबको चीट करके आना पड़े, सबको छोड़ छाड़ के आना पड़े, तो उस चाहे वो ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन आने के चांसेस बन रहे हैं कुछ लोगों के केस में तो स्पेशली. समय के लिए मैं अगर आपसे कहूँ तो मुझे यहाँ पे 6 हफ्तों से लेकर 10 हफ्तों की चांसेस दिख रहे हैं. 10 वीक्स के अंदर अंदर इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक्शंस आ सकता है, ठीक है. और चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन देखो इनके लिए ये चीज़ें डेफिनेटली अभी भी मुश्किल है, इनके लिए आसान नहीं है सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आना. लेकिन यहाँ पर ऐसे सिचुएशन ज़रूर से बनेगी जहाँ पर ये पर्सन कोशिश अपनी तरफ से पूरी करेंगे सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आने की और अपने सपने को जीने की, जो ये चाहते भी हैं, ठीक है. तो ये थी मेरी रीडिंग. आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो. अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ पाऊँ, और हम ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे. आज के लिए बस इतना ही. ओके, बाय बाय.